इस दौर में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीबों की दो रोटी भी छीन ली है। इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आसनसोल के रविंद्र भवन में साबी के एमएलए सोहराब अली की सरबराही में बांगियो संख्या लोक बुद्धिजीवी मंच की तरफ से जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके खिलाफ एहतजाजी जलसा किया गया। इस मौके पर मेहमान खसूसी के तौर पर इस तंजीम के रियासती सदर प्रोफेसर वाइजुल हक भी तशरीफ फरमा थे। आइए तफसील रिपोर्ट अपने नुमाइंदे के साथ देखते हैं। मैं दो बातें जो कहूंगा, तमाम मुकर्रर ने कहा कि मुल्क के मरकज में जो एक हुकूमत है, फिरका परस्त ताकत, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार सिर्फ मुल्क के अंदर में एक नफरत का बीज बोया है, मुल्क के आवाम को दो हिस्सों में बांटा है। ये मुल्क एक गुलदस्ता के मामले में, जिससे पहले सोहराब अली साहब पहले आपने देखा कि हम लोगों को अब इस्तकबाल में जो बुकेट दिया गया है, इसमें कई एक तरह का फूल है और खूब सुंदर लग रहा है, खूब खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इस फूलों को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो जो खूबसूरती अभी बरकरार है ये खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो ये मुल्क के अंदर में तमाम मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ जबान के बोलने वाले लोग हैं, एक गुलदस्ता के मामिल रहते हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर में जो अभी मौजूदा सरकार है वो सरकार इसको अलग अलग कर देना चाह रहा है, जिससे हमारे मुल्क की खूबसूरती को खत्म होने का खतरा है। एवं जरा এখানে উপস্থিত আছে আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে অনেকে হয়তো জানেন অনেকে জানেন না যে তৃণমূল কংগ্রেসের আরো যেমন শাখা সংগঠন আছে ঠিক একই ভাবে এটাও কিন্তু একটা শাখা সংগঠন। এবং আমাদের অধ্যাপক ওয়াইজুল সাহেব আছেন, বন্ধু মানুষ, একসাথে প্রায় 20 বছর ধরে আমরা কলকাতায় রাজনীতি করছি এবং এটা আমাদের দলের একটা শাখা সংগঠন রূপে স্বীকৃত বলে উনি সপ্তাহে দুদিন তৃণমূল ভবনে বসে এবং এখানে যারা উপস্থিত আছেন বঙ্গীয় যে বুদ্ধিজীবী সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী সে বুদ্ধিজীবী সেলের কাজ কি? দেখুন আমাদের একটা কিন্তু মাইনরিটি সেল আছে, তারপরেও দল বুদ্ধিজীবী সেলকে স্বীকৃতি দিয়েছে কাজ করার জন্য। কেন দিয়েছে? কথাটার মধ্যে একটা বুদ্ধিজীবী শব্দ আছে, মানে সমাজে যে ক্ষেত্রের মানুষরা বুদ্ধিকে সম্বল করে তাদের কাজ করেন, সমাজকে পথ দেখান, তাদের নিয়ে মূলত এই সংগঠন। দুগুণা কর দিয়া যায়েগা, মানে আপ তমাম লোগো সে পুছনা চাহতা হুঁ कि जितना भी वादा मोदी ने किया था एक भी वादा क्या पूरा हुआ है? कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। गरीबों के ऊपर में जीएसटी का मार, आज महंगाई किस जगह पहुंच रहा है, जो गरीब आटा खाता है, जो गरीब चावल खाता है, जो गरीब दाल खाता है, सबके ऊपर में जीएसटी का मार। इंशाल्लाह हम देखिए ममता बनर्जी को बोल के वो काम जो अधूरा काम है सब मिलके फुल टीम ऑफिस उतरा है, हम लोग का फाइल चेयरमैन साहब है, सब मिलके हम लोग वो काम कर देंगे आपके लिए। यही ममता जी का चाहत है, यही ममता जी करता। अब यकीन नहीं, मैंने हम कुछ दिन पहले गया था कुछ बिहार, कुछ बार में एक म्यूनिसिपैलिटी अशोक जानता है, मेकलीगंज बोल के एक जगह है, वहाँ काफी आदमी था, 30-40 हजार का आदमी था, बंगियो शंकर बुद्धिमंच का जिला का प्रोग्राम हो रहा था। तो हम जाके जब पहुंचा, हम स्पीच दिया, स्पीच देने के बाद जब हम नीचे उतरा, हमको बहुत आदमी ने घेर लिया चारों तरफ से, बोला अयजुल हक साहब ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन हम लोग का यहाँ म्यूनिसिपैलिटी एरिया है बट यहाँ
दस वार्ड ऐसा है, ऐसा गांव है जहां अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा, विद्युत नहीं पहुंचा। 2011 में जब सरकार परिवर्तन हुआ है, हम लोग सोचा था, हम लोग उम्मीद के साथ जो हम लोग घर में यार हेरिकेन नहीं रहेंगे, लंठन नहीं रहेंगे, मोमबत्ती नहीं रहेंगे, हम लोग का बिजली आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, हम लोग पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। लेकिन अभी तक 2014 हो गया, अभी तक हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया। आप लोग बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया, कुछ कर सकिएगा? हम संग संग फिर स्टेज में चढ़ गया, वहां मेरा सिक्योरिटी था, बहुत पुलिस दिया हुआ था, यहाँ भी है, मौजूद है, वहां भी उसी शहर से थाना का हमको बुलाया स्टेज में, अब आइए यहाँ। ये जो बात बोले ये लोग, दस गांव में, दस वार्ड में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पाए, सच है क्या झूठ है? बोला सर सच है। हम उस टाइम पावर मिनिस्टर था मनीष गुप्त साहब, हम स्टेज में उठ चढ़ा, मोबाइल से मेरा फोन लगाया, मनीष गुप्त साहब को फोन किया हम, अरे मनीष दा আমি মেখলিগঞ্জে এসেছি প্রোগ্রাম করতে, এখানে বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চে, এরা বলছে এখনো বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি, তো মনীষ দাও আমার মতো হতবাক হয়ে গেল, দেখ হয়েছিল দেখি সম্ভব। ইনডিসিপ্লিন হ্যাঁ কোন কোন জেসা কি গেলা, আই ডোন্ট লাইক দিস, এসা মত করিয়েগা, এ আমরা ডিসিপ্লিন, বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী এসা অর্গানাইজেশন নেই হ্যাঁ। हम लोग सबको सम्मान करता हूं, श्रद्धा करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, बट यह ऐसा नहीं चलेगा। बोगियो संखालो बुद्धिजीवी मंच ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, यहां सब रिस्पेक्ट आदमी है, मेरा हमसे ज्यादा रिस्पेक्ट है, मेरा वार का जहां बैठा हुआ हम ज्यादा उसको इज्जत करता हूं। हम सोचता हूं जो हम लोग इनका सर्वेंट है, ममता जी यही सिखाते हैं हम लोग को, हम आप लोग का सर्वेंट है, चाकर आप लोग का काम करने के लिए आया हूं, नेता बनने के लिए आज लोग नहीं आपका काम, हम नेता बनने के लिए नहीं आया हूं। बोंगियो संखालघु बुद्धिजीवी कारिकुलम है, कंडक्ट है, एक कोरम है, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, हम भाषण द्वारा जिंदाबाद जिंदाबाद फटिल थे, ये नहीं चलेगा बोंगियो संखालघु बुद्धिजीवी। सर हम लोगों ने देखा कि आपने सेंसेटिव भी बात की, एक्साइटेड भी बात की, और उसके बाद आप अपने अपने ताल्लुक से भी बताया। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हुए आज 8 महीने हो गए, यहाँ पे डिप्टी मेयर का अनाउंसमेंट हुआ लेकिन अब तक शपथ नहीं हुआ। आसनसोल कॉरपोरेशन की बोर्ड बने हुए आज 8 महीने हो गई लेकिन अब तक बोरो चेयरमैन नहीं बन पाया, क्या ये बात आप दीदी तक पहुँचा पाइएगा? जरूर आप बोले हम बोलेंगे, ये हायर कमांड का सिद्धांत है, उनके ऊपर क्या जिसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकते, आप जो बात बोले जरूर हम दीदी से। आज के दुर्गापुर